इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें, जहां शहनाज गिल जाएं वहां फैन मोमेंट ना बने ऐसा हो नहीं सकता। जब शहनाज गिल यहां स्टेज पर मौजूद थी तो शहनाज को यहां खड़ा देख सभी फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। शहनाज के यहां आने से महफिल की रौनक देखी आपने, कुछ इस तरह शहनाज को बीच में खड़ा करके चारों तरफ सभी लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया और वो भी शहनाज गिल के गाने यार का सताया हुआ पर, जिस पर शहनाज गिल बेहद ज्यादा खुश नजर आई और तमाम सभी फैंस इमोशनल हो जाते हैं। अमेरिका पहुंच के शहनाज गिल के एंटरटेनमेंट में और ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। वैसे तो शहनाज का ये फर्स्ट टाइम यूएस ट्रिप है, अब इस ब्यूटीफुल से ड्रेस में ही हवाई अड्डे पर ही शुरू हो जाती है शहनाज। अब जिस तरह इनको सोशल मीडिया में रिस्पांस मिलता है, यकीन मानिए ऐसे रिस्पांस के लिए पूरा बॉलीवुड सपने देखता है। जब शहनाज गिल ने अपने ही भाई शहबाज बादशाह को स्टेज पर माइक देकर हाथ में खड़ा किया और ये कहा कि जरा दो चार बातें बोल के तो दिखाओ, तो मजाक मजाक में शहबाज ने सभी की खिंचाई करके रख दी। स्टेज पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, पूरी महफिल शॉक्ड हो जाती है और फिर बाद में सभी लोगों की हंसी कंट्रोल नहीं होती। इस बात के ऊपर शो के डायरेक्टर खुद उठकर आते हैं और शहबाज से हाथ मिलाते हैं। शहनाज की आवाज में कितना ज्यादा गहरा दर्द है क्या आपने कभी अंदाजा लगाया है? और अगर नहीं लगाया तो थोड़ा गहराई से इस वीडियो को देख लो, जहां दर्द बेहिसाब देखने मिला। कनाडा के वैंकूवर के शो पर जैसे ही शहनाज की यहाँ एंट्री होती है तो महफिल का माहौल आप खुद देख सकते हैं किस तरह से बदल गया। सारे गेस्ट यहाँ आए हुए थे, इवन शहनाज गिल के बहुत सारे यहाँ फैन मौजूद थे। जैसे ही शहनाज की एंट्री होती है अचानक से एक बड़ी हलचल मच जाती है, सभी के चेहरों पर खुशी आ जाती है। एक और शहनाज गिल का बेमिसाल वीडियो, जब स्टेज पर बैठ के अपनी स्पीच दे रही थी तो अपनी स्पीच को रोक कर शहनाज ने अपने फैन को किस तरह से इंपॉर्टेंस दिया उनकी बात सुनी। पूरा वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक कर लो या पेज पर विजिट करके भी देख सकते हो। कुछ इस तरह से होती है शहनाज गिल की कनाडा के वैंकूवर में स्टेज एंट्री, जहां सभी लोग शहनाज की एक झलक पाते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। शहनाज के आने से कुछ इस तरह से बदलता है पूरी महफिल का माहौल। यहां के होस्ट भी बोलते हैं शहनाज प्लीज माइक संभालिए, बाकी काम आपका है। 5 साल से बिछड़े शहनाज गिल के भाई फाइनली आज मिलन हुआ। इस मिनी व्लॉग में शहनाज ने अपना रिएक्शन शेयर किया। कितने चिर बाद मिले? 5 साल। मैं अपने ब्रदर नू 5 साल बाद मिल रही हूँ, देखो कितना सोना हो गया मेरा गुगू। तो ये है शहनाज गिल का शॉर्ट मिनी व्लॉग, अपनी जर्नी का खुद का अपडेट देती हुई दिखाई दी। मगर इस समय शहनाज कनाडा में मौजूद हैं। अचानक पंजाब कैसे पहुंची? सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ वैनकूवर, और वैनकूवर में आप सोच नहीं सकते, मुझे 2 दिन हो गए ट्रेवल करते, अभी पहुंची हूँ। हाँ, नींद आ रही है। मैं वैनकूवर देख भी नहीं पाऊंगी अच्छे से, लेकिन इस टाइम मैं सरी में हूँ, लिटरली मैं पंजाब।